लो जी बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया सर। लो जी ठीक हो गया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए। आपको गालबन में मैं नहीं चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका आने का। और पिछले मेंटोर्स भी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बातें की हैं, बड़े अच्छे पॉजिटिव बातें की हैं। और मेरी भी कोई ख़ास मुख्तलिफ बातें उनसे नहीं हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है यू नो हम सब के लिए, मेंटोर्स के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, कि यू नो क्रिकेट को नीचे से देखा जाए। क्रिकेट को जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो हमारे मसाइल हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको फिक्स किया जाए। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जब मुझे पहली दफ़ा भी मेरे से बात हुई चेयरमैन साहब की, तो उन्होंने ये जब फ्लोट किया आइडिया कि ये चैम्पियंस कप होना चाहिए और जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है जो इश्यूज़ हैं, या जब हम लड़के ऊपर जाते हैं तो उनके जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आकर सॉल्व करें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी भी है, एक्साइटिंग टाइम भी है मेरे लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, कि हम इसको बेहतर कर सकें। क्रिकेट की हालात आपके सामने हैं और कोशिश अपनी पूरी की जाएगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस क्रिकेट को बेहतर किया जाए। और जो ऊपर जब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जाएँ तो वो जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी पोजीशन में देखते हैं, इतने मेंटोर्स सामने आए हैं जिसमें इस बार भी आप भी हैं, आप सब क्रिकेट के साथ पिछले 5-7 सालों से मुंसलिक रहे हैं, तो जिस तरह की इनकी हालत है इस वक्त, हम दूसरा टेस्ट मैच भी बांग्लादेश के हारने पर जा रहे हैं, कौन सा ऐसा काम आप डिफरेंट करेंगे कि जो पिछले प्लेयर्स में जो आप टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहकर आप नहीं कर सके, जो आप देखें जो इश्यूज़ हैं वो ऑफ कोर्स ऊपर तो हैं ही हैं, वो तो काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से डिटीरिएट हुई है क्रिकेट पिछले चंद सालों में, वो तो नज़र आ रही है। तो मेरा ये रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, ये यू नो डोमेस्टिक लेवल पे है। तो जो इश्यूज़ ऊपर थे जिनमें फिटनेस था, यू नो फियर ऑफ फेलियर है, या जो आपको कॉन्फिडेंस की बात होती है कि जो नीचे से लड़का ऊपर आता है उसके जो इश्यूज़ होते हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मैं पहले उस वक्त भी कहता था कि ऊपर जब लड़के आते हैं या बच्चे आते हैं तो उनके कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, तो उन डेफिशिएंसीज़ को और मॉडर्न क्रिकेट जो हो रही है जिस तरीके से, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है और दूसरे मेंटर्स के लिए भी है कि उनकी फिटनेस और उनकी बाकी जो मसाइल हैं उनको नीचे ही सॉल्व किया जाए, बजाय कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो उनको वो मसाइल आएँ। देखिए एडवाइजरी को तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया था गालबन आपको उनके जो उस पर तासरात थे। बाकी जहाँ तक रही मेंटोर्स की बात, आई थिंक आई मीन बहुत मुश्किल है अभी ये बात करना कि जी किसको आगे लेके जाएंगे, किसको पीछे। अभी पहली दफ़ा है, ये पहला टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसमें यू नो जो परफॉर्मर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड ने 150 लड़के बेस्ट परफॉर्मर्स निकाले थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग 5 साइड्स, और उनकी जो उनमें देखेंगे कि कौन इस
इस काबिल हैं या इस ये रखते हैं कि ये लीडर्स भी बन सकते हैं, आगे जाके कप्तानी भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ कहना कि जी कौन आगे कप्तान होंगे या आने वाले वक्तों में होंगे, वो तो वक्त ही बताएगा या देखना पड़ेगा कि कौन इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो बाकी जो है कि यंग लड़के हैं, मेरी टीम में काफ़ी यंग हैं, ज़्यादा यंग हैं, और कोशिश ये की जाएगी कि उनको उनकी ग्रोथ की जाए, उनकी मेंटोरिंग की जाए कि इंटरनेशनल पे किस तरह की क्रिकेट चल रही है, उनको उसको मैच किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा जी, इसीलिए तो हम आए हैं। अंडर 19 से भी लड़के हैं इसमें, आपकी जो शाहीन है उसमें से भी लड़के हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं ताकि वो भी गाइड कर सकें इन बच्चों को। तो ब्लेंड है, और जो भी जैसे स्पिन हो, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, ओल्ड बॉल न्यू बॉल, सबके सामने है मसाइल। इस पर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फ़ायदा होगा, लेकिन यह है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है कि बड़े नाम क्रिकेट के जो आपके ऊपर नहीं, आपके इंटरनेशनली तो आपके पास दो कोचेज़ हैं मेन, जो आपके पास वेस्टर्न कोचेज़ हैं, लेकिन नीचे आज तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे इस तरह की नज़र डाली गई थी। तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू द चैम्पियंस कप एंड देन टू शाहीन एंड देन टू इंटरनेशनल। सो एक ये पाथवे जो बनेगा, तो आई फील कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा और बच्चों के लिए भी बेहतर होगा कि वो उन लोगों के साथ खेलेंगे या उनके साथ उनके कोचिंग के अंडर होंगे कि वो आइंदा जब ऊपर जाएंगे तो उनको जो इश्यूज है वो नहीं होंगे। देखिए, इसमें मैंने गालिबन पहले लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, जब आप पहले साल आएंगे तो टीथिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लेकिन ये है कि अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा अगले साल तक या जब हम नेक्स्ट सीज़न आपका है, क्योंकि अभी आपका जो डोमेस्टिक सीज़न है वो ऑलरेडी लेड डाउन है, आपका जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो भी लेड डाउन है। ये टूर्नामेंट को उसके बीच में लाया गया है जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि आइंदा प्रॉबली होपफुली जो अगला साल होगा इंशाल्लाह वो इस टूर्नामेंट को वेटेज ज़्यादा मिलेगी। ये मेजर टूर्नामेंट होगा आपका, या 4-day क्रिकेट या 1-day T20 सारी, आप ये मेजर उसका होगा कि जहाँ से ये लड़के आगे जाएंगे। हाँ, जैसे कहा ना कि थोड़ा सा इशू है कि आपकी जो क्रिकेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी है शायद, और थोड़ी सी ब्लेंड शायद उस तरीके से नहीं हो जिस तरह होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा आने वाले वक्तों में इस पर भी नज़र डाली जाएगी, क्रिकेट बोर्ड भी नज़र डालेगा, और ये जो आपके क्रिकेटर्स हैं ये भी इस पर कहीं ना कहीं वेटेज डालेंगे कि इस टूर्नामेंट को ज़्यादा वेटेज दी जाए। हमारे पास हमारे टेस्ट क्रिकेट हो, टी20 हो, वनडे हो, हमारे पास बड़े प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हमारी किसी टीम का विनिंग कम्बिनेशन नहीं बन पाता। क्या इस चैंपियनशिप के अंदर हम कुछ ऐसी कमी हमारी होगी कि हमारा जो विनिंग कम्बिनेशन है वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में बन सके? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप फौरी तौर पे आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। बीमारी जब पुरानी होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा वक्त लगता है, तो इसमें मुझे समझ आती है कि ये थोड़ा टाइम गेनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं जो आपको भी आपने भी देख रहे हैं डे इन डे आउट और हमें भी नज़र आ रहे हैं,
उन सबको एड्रेस किया जाएगा, जिसमें यू नो सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, जिनमें आपकी फील्डिंग के इश्यूज, फिटनेस के इश्यूज, आपके कप्तानी के इश्यूज, ये सारे मेंटोरिंग जब होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ठीक रहेगा। इसको शुरू तो लेने दीजिए, वो तो बाद की बातें हैं कि क्या होगा। लेकिन आपने बात की कि फास्ट बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। यू नो पाकिस्तान के क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिच रही है जब फास्ट बॉलर्स की बात की जाती है। हाँ ठीक है, शायद थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, और वो सब टीमों पर आता है, ये कोई पाकिस्तान अनोखी टीम नहीं है कि जिन्हीं पर सिर्फ आया हुआ है, ये दुनिया भर में ये थोड़ा सा कई दफ़ा पीरियड आता है जहाँ पे आपको, जहाँ पे आप बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास शायद बैटरी ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको अगर हम नीचे से ही अगर ये मेंटर्स उसको पॉलिश करेंगे, मेंटर्स का काम ही ये होता है कि ये उनको गाइड करें, उनके साथ उनका जो साइकोलॉजी साइड है उस पर भी बात करें, उनको इंस्पायर करें। बेसिकली इंस्पायरिंग काम है, आपके पास स्टाफ पूरा होगा जो आप सपोर्ट करेगा, आपके पास सेंटर्स हैं जिनमें वो सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कैंप्स लगाए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो तब इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टारगेट ऑफ कोर्स जो मैंने सही बातें टारगेट की कर रहा हूँ कि टारगेट यही है सारे। तो किस तरह से आप ये वर्कलोड मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी बॉलर्स और बैटर्स इंजरी का शिकार हो रहे हैं, और अभी नसीम शाह भी आपके सामने ये टेस्ट मैच खेल के फिर बैठे हैं, तो इस चीज का कैसे टेक केयर करेंगे आप इसको? मैंने कहा ना कि इस साल शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि इसको टैकल किया जा सकता है। आप उन जो 35 लड़के या 30 लड़के जो आप निकालेंगे उनका वर्कलोड, ये जिम्मेदारी होगी हमारी, हमारे कोचेज़ की जिम्मेदारी, उनका ट्रैक रखें कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनको कितनी क्रिकेट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कहाँ से पुल आउट करना है और कहाँ पे उनको खिलाना है, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होंगी। आपको आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा कि कैंप्स जब लगेंगे तो लड़कों को अगर समझ आएगी कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको इस उससे निकाल लिया जाएगा, ताकि नीचे वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो प्लान तो यही है इंशाल्लाह, देखिए अल्लाह करम करेगा कि आने वाले वक्तों में, ये मुझे उम्मीद है, मैं आया भी इसी वादे से था कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मुझे अट्रैक्ट किया था जब पहले वर्ल्ड कप के फौरन बाद जब चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया था और मेरे से बात की थी, तो ये टूर्नामेंट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हाँ शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरी टूर्नामेंट, क्योंकि फर्स्ट क्लास सारा लेआउट हो चुका है तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे पास कोई गिदड़ सिंह ही तो है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि देखें जब आप मेहनत करेंगे, साफ दिल से मेहनत करेंगे जो मैंने हमेशा की है, तो आप देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ कभी छुपती नहीं है, याद रखिए। आप कहीं से भी आएँ, कौन मैं छोटे से शहर से आया हूँ, और अगर मैंने सक्सेस इस तरह देखी है तो ये आई थिंक
जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा ना अभी मैंने पाथवे बताया आपको कि अंडर 19 भी है आपके पास ये कप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, उससे नीचे भी। और फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे वाले फर्स्ट क्लास अगर किसी ने रन्स किए हैं तो वो ठक करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस अनटिल इज एक्स्ट्रॉर्डनरी और उसका पाथवे अगर फास्ट लेन है। लेकिन वो फिर इस चैम्पियनशिप इसके बाद फिर शाहीन का होगा, तो सिलेक्टर्स भी ऑफकोर्स ये देख रहे होंगे और ये आपको टेलीवाइज मैचेस हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब नज़र आता है चीज़ें तो फिर ज़्यादा देर छुपती नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी परेशान नजर आए थे, उनके पास बैकअप कोई नहीं है कि इसको निकालने के, सर्जरी के लाभ नहीं है, तो आप पे यहाँ एज एक्सपीरियंस कोच आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे एक बात की है चेयरमैन साहब ने ट्रीटमेंट और बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप खत्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकते? देखिए चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। अब मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, ये याद रखें। या मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएगी चीज़ें, इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी सम टाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे कहा ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी हो तो फिर उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है। आई थिंक ये पूरा साल जो उन बच्चों का ट्रैक रखना, जो उनके साथ मेहनत करना या उनके साथ कैंप्स करना और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली अभी हमें रिजल्ट्स उस तरह नजर नहीं आएंगे, एक टाइम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप 2023 के वर्ल्ड कप से, एशिया कप से, टी20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, बांग्लादेश सीरीज को भी हमने देखा, तो कोई ना कोई आपके जिम में माइंड सेट है इसी को लेकर कि हमें वो खौफ और वो सब वापस लाना जो पाकिस्तान टीम का खास खौफ था कि इंटेंट भी चेंज करने की बहुत बात होती है कि हमें ये करना होगा, और बॉलर्स को लेकर क्योंकि लास्ट जो ऑपर डेब्यू होता है सब बॉलीवुड को बड़ा जबरदस्त था, शाहीन ने उसमें आपको काफी नॉलेज के लिए लंबे स्पेल्स कर दिए थे, तेज हम के पास, तो ऐसा कोई प्लान लेके आप चल रहे हैं साथ और इस चीज़ में? देखिए प्लान डेफिनेटली हैं, प्लान्स के बगैर अगर आप इतने बड़े इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो आपको मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए, और जो कि मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और आपको फिजिकली तौर पे भी आपको अपेयरेंस आपको वहाँ होना पड़ता है। तो मैंने कहा ना कि इसके सिर्फ नहीं कि ये जी टूर्नामेंट होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे इनके कैंप्स लगाए जाएंगे बच्चों के, और इनको फिर जो जब जब रीजन में ज़रूरत पड़ेगी कि इनको खिलाना है क्रिकेट तो उनको रीजन में क्रिकेट भी खिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंप ही लगा के आप उनको रगड़ा ही देते रहेंगे, उनको बेसिकली आपको उनको स्किल फिटनेस चाहिए। स्किल फिटनेस हमारी शायद उतनी नहीं है, या हमारे पास स्किल है तो या फिटनेस है, हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी और बॉलर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बॉलर्स नहीं आएंगे। हाँ ये है कि ऊपर अगर क्योंकि इतना ख़राब रिसेंट पास्ट हुआ है कि हम सारे दिल छोड़ बैठे हैं, तो ये 5 लोगों का आने का मकसद भी यही था, और ये मैं बहुत पहले मैंने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए, ये मैंने कम से कम 10 साल पहले कहा था कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो 5 लोग या इसके इनके नीचे जो उनका जो स्टाफ है, ये प्योरली इसी काम के लिए आए हैं कि हमारी जो फिटनेस लेवल, स्किल लेवल, जो इनको सबको इनकी अवेयरनेस उनको देनी है। तो मुझे तो उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सर।